विभाग की टीम है उस पर हमला कर दिया जाता है। 12 लोग घायल हैं, आपके उत्पाद विभाग की टीम के 12 लोग इसमें घायल हैं। आपका शराबबंदी पुलिस कब तक पीटते रहे, आपका शराबबंदी जहरीली शराब पीकर लोग कब तक मरता रहे। बिहार में जो शराबबंदी आपने 2016 से लागू कर रखा है वो पूरे तरीके से विफल है। आप जागरूकता अभियान चला रहे हैं, आपका पूरा जागरूकता अभियान जो है पूरे तरीके से विफल है। जागरूकता लाने के लिए जो है हमने भी कोशिश किया आप शराब ना पिए, लेकिन बिहार के जो लोग हैं वो लगातार शराब पी रहे हैं, लगातार शराब से मौतें हो रही है। आज सुबह घटना, आज सुबह का घटना है जहां सिवान में कुछ मौत का घटना जो है सामने आई है, सारण में जो है पिछले बार जो है मौत का घटना सामने आया, गोपालगंज में भी शराब जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई। आपसे जब सवाल पत्रकार करते हैं कि बिहार मुख्यमंत्री जी बिहार में शराबबंदी है फिर भी जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो जाती है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। हम किसी को नहीं कह रहे हैं पीने के लिए, हमने तो बंद करवा दिया है। दरभंगा के गांव में जहां पर उन पर हमला कर दिया जाता है, एक महिला को उन्होंने गिरफ्तार किया, महिला शराब बना रही थी, चुलाई शराब बना रही थी जिसको हम लोग देसी शराब कहते हैं, उस देसी शराब को पकड़ने के चक्कर में 12 पुलिस पदाधिकारी जो उत्पाद विभाग की जो टीम है 12 पुलिस पर जो है हमला हुआ है। मुख्यमंत्री जी जो 2016 से आपने शराब बंद बिहार में कर रखा है वो कब तक रहेगा, क्योंकि अब बिहार में इतनी मौत हो रही है, आपके पुलिस इतने पीट रहे हैं, पिटा रहे हैं सड़कों पर कि अब जो है नाक के ऊपर जो है पानी जा रहा है। जी हाँ, आपको हम बता दें कि दरभंगा का कल एक मामला सामने आया है जहां दरभंगा में जो उत्पाद विभाग की टीम है उसमें एक दर्जन उत्पाद विभाग की टीम गंभीर रूप से घायल है। खुद उत्पाद विभाग की टीम ने यह जानकारी दी है बिहार में यह कब तक चलेगा, यह तांडव जो आपका जो लगातार चल रहा है बिहार में, जो आप मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, जो पूर्ण रूप से शराबबंदी करने के लिए लगातार हमारी पुलिस पदाधिकारी लगी हुई है। आपको बता दें कि एक मामला दरभंगा से कल रात सामने आया है, कल रात दरभंगा जो उत्पाद विभाग की टीम है उसको पता चलता है, गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करने पहुंचती है, एक जगह चुलाई शराब बनाया जा रहा था और चुलाई शराब बनाने के दौरान जो एक महिला को गिरफ्तार पुलिस करती है, उसको पुलिस पर जो है जो आपके उत्पाद विभाग की टीम है उस पर हमला कर दिया जाता है। 12 लोग घायल हैं, आपके उत्पाद विभाग की टीम के 12 लोग इसमें घायल हैं। आखिर कब तक आपका शराबबंदी पुलिस कब तक पीटते रहे, आपका शराबबंदी जहरीली शराब पीकर लोग कब तक मरता रहे। आपको बता दें कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी आपको लागू करवाने के लिए मुख्यमंत्री जी खुद अटल पर उतरना पड़ेगा। लगातार विपक्ष के नेता जो है वो आप पर हमलावर रहते हैं, क्यों हमलावर रहते हैं, कारण क्या है? यही कारण है कि बिहार में जो शराबबंदी आपने 2016 से लागू कर रखा है वो पूरे तरीके से विफल है। आप जागरूकता अभियान चला रहे हैं, आपका पूरा जागरूकता अभियान जो है पूरे तरीके से विफल है। आज NBC 24 लगातार शराब की खबरों को जो है सबसे पहले चलाने की कोशिश करता है। आपको बता दें कि NBC 24 की जो टीम है उसने लगातार शराब पर जो है सबसे ज्यादा फोकस किया, लोग में जागरूकता लाने के लिए जो है हमने भी कोशिश किया आप शराब ना पिए, लेकिन बिहार के जो लोग हैं वो लगातार शराब पी रहे हैं, लगातार जहरीली शराब से मौतें हो रही है। आज सुबह घटना, आज सुबह का घटना है जहां सिवान में कुछ मौत का घटना जो है सामने आई है, सारण में जो है पिछले बार जो है मौत का घटना सामने आया, गोपालगंज में भी शराब जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई। आपसे जब सवाल पत्रकार करते हैं कि बिहार मुख्यमंत्री जी बिहार में शराबबंदी है फिर भी जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो जाती है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। हम किसी को नहीं कह रहे हैं पीने के लिए, हमने तो बंद करवा दिया है, लेकिन जो पी रहा है वो तो मरेगा। बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये बात जो है आप कहते हैं, लेकिन कब तक आप ये बात इस बात को आप कहते रहिएगा, कब अपने आप टीम के को जो है एक टीम के साथ बैठकर एक मीटिंग कीजिएगा, कब आपने आपकी टीम जो है पूरे तरीके से जागरूक होकर बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से जो है लागू करवाने पर जो है सख्त जो है उस अटल पर उतरेगा, कब सक्षम होगा? देखिए लगातार बिहार में हो रही है, हम चाहेंगे जो दरभंगा उत्पाद विभाग की टीम पर जिस तरीके से हमला हुआ है आप खुद सुन लीजिए उत्पाद विभाग की टीम के अधिकारी जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। जी सर, क्या हुआ? कुछ सिपाही भी घायल हैं, गाड़ी के शीशे भी टूटे हुए हैं, क्या है पूरा मामला? सरपुर थाना अंतर्गत हम लोग गुप्त सूचना के आधार पर कि वहां पे चुलाई शराब बनाया जा रहा है और बेचा जा रहा है, उसकी सूचना पर हम लोग छापामारी करने डिलाई में गए थे। डिलाई गांव में जैसे ही हम लोग छापामारी किए, एक महिला शराब के साथ गिरफ्तार हुई और उसके बाद पूरा गांव वहां पे हम लोग को घेर करके ईटा पत्थर चलाने लगा है, जिसमें हमारे कुछ जवान को चोट लगा है, हमारे पदाधिकारी भी घायल हो गए हैं और हमारे हर एक गाड़ी का डैमेज किया गया है।
आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम हुआ ASI संतोष कुमार झा। तो आपने सुना कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि उत्पाद विभाग का टीम जो अधिकारी जो है वो क्या कर रहा है, उत्पाद विभाग की टीम पहुंचती है दरभंगा के गांव में जहां पर उन पर हमला कर दिया जाता है। एक महिला को उन्होंने गिरफ्तार किया, महिला शराब बना रही थी, चुलाई शराब बना रही थी जिसको हम लोग देसी शराब कहते हैं। उस देसी शराब को पकड़ने के चक्कर में 12 पुलिस पदाधिकारी जो उत्पाद विभाग की जो टीम है 12 पुलिस पर जो है हमला हुआ है। कहां तक सही है ये लगातार NBC 24 का जो है वो सवाल सरकार से करता आ रहा है, आगे भी करता रहेगा कि ये बिहार में कब तक होगी। जो बिहार में जो शराबबंदी जिस तरीके से लागू है कब तक पूर्ण रूप से शराबबंदी बिहार में लागू होगी? जो आप कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, ये आप बात बोलना खुद कब छोड़ेंगे? कब बिहार में पूर्ण रूप से आपकी पुलिस पदाधिकारी जो है शराब बंद करने में जो है पूर्ण रूप से जो है अटल पर उतरेगी? लगातार जो भी अपडेट होगा सवाल मेरा जवाब आपका जरूर करते रहेंगे। बहरहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे, पेज को लाइक फॉलो कर ले, वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।